अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? फहीम है मेरा। अच्छा फहीम भाई, यहाँ इस मार्केट के बारे में बताएं कि इस मार्केट में फर्नीचर की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आज मैंने विज़िट किया आपकी मार्केट का, तो यहाँ पे आपके पास किस टाइप का फर्नीचर होता है और ये मार्केट कब लगती है? ये हर तरह का फर्नीचर होता है यहाँ पे, और क्या नाम है, हफ्ते की रात को मार्केट लग जाती है। ठीक है, एतवार को मतलब यहाँ पे, संडे को मिल जाता है यहाँ पे, हर तरीके का। आना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। लोकेशन, इसका एड्रेस बताओ ज़रा, अगर यहाँ पे आना कोई चाहे कैसे आ सकता है? यूपी की मार्केट लगती है, इतवार बाज़ार के नाम से मशहूर है फर्नीचर मार्केट। यूपी कहाँ पर है ये तो बताओ? ये सारा यूपी का इलाका कहलाता है। ठीक है, नागन चौरंगी से आगे, नागन चौरंगी से आगे आके यूपी मोड़। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बैक साइड पे, बैक साइड पे फर्नीचर मार्केट लगती है। आपके पास यहाँ पे किस तरह का फर्नीचर होता है? लकड़ी में होता है, लेमिनेशन में होता है, आयरन में होता है? लेमिनेशन, आयरन, टोटल फर्नीचर मिलता है इस बाज़ार में। जिसके पास जैसा फर्नीचर आता है उस हिसाब से वो लेकर आता है। सही है, तो आपके पास आज क्या आइटम आया हुआ है? आज दो सेट आए थे। सही है, एक दो सेट बिक गए। सही है, दो तीन सेट बचे हैं ये। ठीक है, बाकी व्यूअर्स, ये पूरी जो है ना गली फर्नीचर से भरी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको आज इसका पूरा रिव्यू करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इनके पास अलमारी देखते हैं। सर ये अलमारी खोल के दिखाएंगे मुझे? चलिए खोल के दिखाओ। ठीक है, ये इस तरीके से, इसकी गहराई कितनी है भाई? इसकी गहराई तकरीबन 22 होगी, 22 इंच है। ठीक है, और ये कितने की देंगे सर आप? ये अलमारी दे देंगे 8000 रुपये की। 8000 रुपये की, ठीक है। और ये आगे वाली सर डिवाइडर है? ये डिवाइडर, ये कितने का देंगे सर? डिवाइडर मिल जाएगा 6000 रुपये का। कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फिक्स रेट है आपके? कमी पेशी हो जाएगी, कमी पेशी हो जाएगी। अच्छा, और ये कौन सी लकड़ी पे बना भाई? ये पार्टेक्स, पार्टेक्स पे है। सही है, और ये एक बेड आया हुआ है। ये हर इतवार आपके पास चेंज होता रहता है माल या सेम होता है हर इतवार? नेक्स्ट, आप भी किसी के घर से खरीद के फिर यहाँ पे बेचते होगे ना? यहाँ पे तो खरीदो फरोख भी करते हो? जी, पुराना बेचना चाहे वो भी लेके और एक्सचेंज भी कर लेते हो? सब कर। सही है, ये कितने का बेड? ये बेड मिलेगा आपको 10000 रुपये। 10000 रुपये का, सही है। और ये ड्रेसिंग? ये ड्रेसिंग 4000 रुपये। 4000 रुपये। और क्या आपके पास यहाँ पे? और ये लगा हुआ सामने। अच्छा, ये सामने वाला बताओ कितने का? ये अलमारी मिल जाएगी 7000। 7000 रुपये की। चलो यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। अच्छा तो व्यूअर्स, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे कुछ और भी है, बेड की वैरायटी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, ये मुझे बेड की प्राइस बताएंगे, क्या प्राइस है इसकी? वो अलग है ना, ये नहीं, प्राइस तो बता दो, मुझे बता दो। बराबर वालों का ये? अच्छा चलें सही। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ये बेड के आपको डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर फर्नीचर है। तो यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ इसके रेट। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका यार ये आपका नहीं है, गाड़ी है आपकी, गाड़ी वाले हो आप? अच्छा सही, कोई बंदा ही नहीं है आपका ये? अरे ये कितने का सेट ये वाला? ये वाला 40000 रुपये का। कौन सी लकड़ी पे? खोल के दिखाओगे एक पीस यार? गहराई कितनी है इसकी? 22 इंच है। अच्छा सही है, और ये इसका डिवाइडर आ गया, ये डिवाइडर। और ये बेड का क्या साइज़ है? 5x6 का साइज़ है इसका बेड का। सही है, फाइनल कितने का दे दोगे ये? 35000 रुपये का। और कम नहीं करोगे? और पुराना भी ले लेते हो? पुराना भी ले लेते हैं, अगर होता है काबिल बनने के तो ले लेते हो। ये भी सब रिपेयर किया हुआ होता है? जी सेकंड हैंड में, सेकंड हैंड में ही। सही है चलो, और ये आगे वाला सेट? ये भी हमारा, ये भी पूरी बना लो, सब बना लो। ये किसका? ये वाला, इसके रेट बताओ? ये सब आपका, ये वाला भी? ठीक है, और ये सामने भी लगा हुआ है व्यूअर्स, ये सारा इनका फर्नीचर है। तो इनके रेट तो बताओ हमें, देखने वालों को कैसे पता चलेगा? भाई मैं निकल रहा हूँ आगे यार, कहाँ है? ये फोर पीस है भाई, यानी थ्री डोर अलमारी है, डिवाइडर है, ये इसका बेड है, दोनों साइड टेबल है, साइड टेबल ये है इसकी, एक ये रखी है, और ये ड्रेसिंग टेबल है इसकी। कितने का ये? ये आपको पड़ जाएगा पूरा जो है ना 55000 रुपये का दे देगा। अच्छा, और कुछ मुनासिब हो जाएंगे इसके? हाँ डिस्काउंट हो जाता है। कितना डिस्काउंट हो जाएगा जब कस्टमर आता है उसके साथ? फिर भी ये बता दो, देख रहे हैं आपको सारे 5000 जो भी होता है, 5-6000 रुपये किसी गरीब को देना कम कर ले मेरा बच्चा। सही, हमारे पास भी क्या बात करो, आज बात करो आप, मैं इनको थोड़ी वीडियो बनवा दूँ। अच्छा, और ये डाइनिंग टेबल वगैरह भी होते हैं? पड़ोस में ये। अच्छा, ये हमारा ये भी है। और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, इसके बारे में बताएं मुझे, इसके बारे में। 40000 रुपये। ये कौन सी लकड़ी में? ये कमर्शियल के अंदर है।
पर्दे के साथ है कंप्लीट। सही है। और ये अलमारी लगी हुई है फुल साइज की। बेड है, बेड है, ये ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसिंग टेबल है, इसमें ब्यूटी बॉक्स भी है और डिवाइडर भी है, इसमें टीवी का भी है, बर्तनों का पूरा चेयर है। फोर आप हरिद्वार को यहीं पे होते हैं और हरिद्वार माल चेंज होता रहता है आपका और ये भी पुराना ले प्राइस का आता रहता है हरिद्वार। किस नाम से होते हैं आप यहां पे? मेरा मोहम्मद इमरान नाम है। मोहम्मद इमरान नाम किससे ही आप यहां पे होते हैं? सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके साथ ही होता है, इसके साथ ही। नंबर चाहे तो नंबर ले लें आप, बता दें नंबर 0312-230-9538। ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान कुरैशी के नाम से। ठीक है, ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सही सही। अच्छा तो व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ डाइनिंग टेबल की वैरायटी भी मिल जाएगी आपको, जैसे कि ये रखे हुए 6 सीटर और इसके अलावा 5 सीटर 7 सीटर सोफे वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी भाई आपके ये, अच्छा उसके अलावा ये 5 सीटर सोफ़ा मिल जाएगा, आयरन में भी सोफ़े मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपका रेट वगैरह मैं आपको बताता। अरे नहीं, वीडियो मैंने बना लिया, पर रेट बता दो ये कितने का बेड? बेड और डिवाइडर है। हाँ, तकरीबन 15,000 की। 15,000 रुपये की। और ये वाला 4 पीस सामान है। हाँ, 55,000। ये पूरा आगे तक? ठीक है। बेड गद्दे के साथ मुनासिब क्या हो जाएंगे? फाइनल कितने का दोगे? कम कर लेते हैं अब वो। फिर भी कितने कम करोगे? 53 हो जाएंगे। सही। और ये सोफे वगैरह जो लगे हुए थे इसके? सोफे 7 सीटर है। हाँ, सही है। का सेट है, बाकी 13,000 लोहे का 7 सीटर है। लोहे का 7 सीटर है, कितने का? लोहे वाला आपको पड़ रहा है 20,000। चलो ठीक है, बना लेना, बना ली ना, अभी बना लिया। चलो बताएं, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। मैं जब यहाँ पे था आप मौजूद नहीं थे, अभी बना ली दोबारा। अच्छा, इसके मुझे रेट बताएं। इसके 6,000 रुपये। 6,000 रुपये और इसके? और ये वाला मुनासिब पैसों के लिए पता लगाया गया, इसके मांग तो मतलब 22 रहे। सही है, 12 लिए कि ग्राहक जो लगाता दे देते कम से कम। अच्छा, फिक्स रेट तो नहीं है ना आपके? आप हरिद्वार को यहाँ पर होते हैं? हरिद्वार को होते हैं। किस नाम से होते हैं? ये मतलब इतवार बाजार लगता है पूरे पाकिस्तान में, सबसे बड़ा बाजार यही लगता है। अच्छा, मालूम मेरी बात, पूरे पाकिस्तान में बता रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बाजार यही है इतवार बाजार। और दूसरी बात ये कि ये जो ना मुनासिब रेट होते हैं यहाँ पर, समझे, थोड़ा यूज होता है, 1-1.5 महीने का यूज होता है, बाकी ये कि मुनासिब रेट होते हैं गरीबों के लिए। सही, ऐसे तो नहीं कि बैठेंगे तो सोफा ही टूट जाएगा? इधर आओ, अब आप बैठो। नहीं सही है, मेरी बात सही है। आप भी बैठ के दिखाएं, ऐसा काम नहीं करते जो आदमी को जो ना किसी के पैसे आ जाते हैं। सही है। आदमी आता है कि दूर, ये पंजाब तक जाता है यहाँ से मान लो। अच्छा, हाँ, ये देखो ये जा रहा है हैदराबाद, ये हैदराबाद घर के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सही है। तो पुराना भी ले लेते हैं, अगर कोई पुराना एक्सीडेंट जैसे घर के लिए मोबाइल तो वो मतलब ले लेते हैं। उसका क्या तरीका होता है? उसका ये तरीका होता है, मिसाल के तौर पर ये अब हमने 8,000 के सोफे थे कि उनके पास पुराने सोफे ले लेते, सही है ना, तो हम 4,000 के वो ले लेते। सही है, एक्सचेंज भी कर लेते हैं। और सही है इस तरीके से। अच्छा, नंबर आप क्या, गरीब आदमी के लिए बाजार बनाया गया है और बहुत मुनासिब पैसों के लिए। सही, हाँ, मुनासिब होता है, गरीब आदमी होते हैं, बच्चियों की शादी होती है, सही है, नहीं होता हिसाब किताब नहीं होता तो अपने कम से कम ना इधर हो जाता है। सही है, तो नंबर अपना बता दें अगर कोई। 0316-0316-8959-5936। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्या नाम था आपका? मेरा नाम है रईस आलम। रईस आलम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये आपको मैंने ये विजिट करवा दिया, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आगे मैं आपको और भी रश है यहाँ पे, सब्जी होगा और काफ़ी और भी वैरायटी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे कुछ आयरन की वैरायटी है वो मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद फिर हम आज की वीडियो स्टॉप यहीं पे फिर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि काफ़ी रश है यहाँ पे और हर बंदा मसरूफ़ है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, रेट वगैरह बता नहीं सकते मुझे। सुबह के टाइम पर आएँ आप, सबको मैं रिकमेंड करूँगा आप सुबह के टाइम पर आएँ तो आप लोगों को यहाँ पर और भी वैरायटी नज़र आएगी और रश भी बहुत कम होगा। यार है आपके ये आपके नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ये आयरन की वैरायटी लगी हुई है, भाई से इसके रेट वगैरह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है यार, ये अलमारी में कुछ रेट वगैरह बता देंगे? कोई बता देंगे तो कितने की है ये अलमारी? अलमारी मल्टी स्टाइल होते हैं, 10,000 से स्टार्ट होती है। तो सही है, 10,000 की कौन सी है? ये 10,000 की है। सही है, ये भी 10,000 की है। ये भी 10,000 की है।
ये 16,000 की इनकी गहराई कितनी होती है? मैक्सिमम किसी जो होती है किसी की 20 होती है, किसी की 22 होती है। सही है। ये सब न्यू में? सब यूज में, पुराने को नया किया हुआ। अच्छा, पुराने को नया किया, कलर किया हुआ है। अच्छा अच्छा, सही है। और ये कुछ लॉकर वगैरह है? ये 8,000-8,500 रुपये के हैं, वो 12,000 रुपये के हैं फाइल कैबिनेट। सही है, ठीक है। और अगर यही नया लेते हैं तो कितने का मिलता है? नया समझ डबल रेट में मिलेगा, डबल रेट में मिलेगा। अगर एक चीज़ आपको 6,000 रुपये की मिली तो नया में आपको 13,000 रुपये की मिलेगी, 13,000 की मिलेगी। चलें, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो अपना कोई नंबर दे दें। 0331-0331-2439-3111-3111। ठीक है सर, मेरा व्हाट्सएप भी है, अगर किसी ने सेल परचेज भी करना हो तो। अच्छा, पुराना भी ले लेते हैं आप। नाम क्या आपका? आसिफ। आसिफ भाई, ठीक है आसिफ भाई। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ का रिव्यू करवा दिया। व्यूअर्स, आगे यहाँ पे कुछ और भी वैरायटी है फर्नीचर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह यहाँ से ये सेटिंग वगैरह लगी हुई है, गद्दे वगैरह लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गद्दा कितने का ही है? ये 6,500। 6,500 रुपये का। और ये सेटिंग? 3,500 की। और आगे वाली? वो भी है, ये लगभग 4,000। और ये बेड कितने कितने के? ये दे दिए। कितने के दिए? यार भाई ने दिए। अच्छा, भाई ने दिए। और ये वाला गद्दे? ये 3,000 का। और ये? वो 7,000। 7,000। चलो यार, सही है। अच्छा, तो यार इसके अलावा यहाँ पे और भी अलमारी वगैरह लगी हुई है ये। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कितने की है? है? कितने की है ये? पाँच हज़ार रुपये की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ड्रेसिंग डिवाइडर सब आपको सिंगल पीस में भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये आयरन की और भी बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। बहुत बड़ा बाजार है ये हर एतवार को लगता है, तो यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट है, उस तरीके से यहाँ पर भी ये सब पुराना फर्नीचर होता है। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट तो हर रोज़ लगती है, लेकिन ये सिर्फ संडे को लगता है। सैटरडे की नाइट को ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और संडे को पूरा ये मार्केट लगता है रात तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको सोफ़े वगैरह की वैरायटी भी मिल जाएगी। ये आयरन के सोफ़े रखे हुए हैं। और ये चाचा, ये कितने का सोफ़ा? बिक गया। अच्छा, बिक गया ये सोफ़ा। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये भी पूरी फर्नीचर की गली है, यहाँ पर फर्नीचर ही आपको मिलेगा कम्प्लीट। अच्छा, एक और ये सेक्शन है, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेड वगैरह हैं, ठीक है, सब ये यूज़ में है। अच्छा, ऑनलाइन आप ऑर्डर नहीं किया करें, एक दफ़ा विज़िट किया करें, क्वालिटी देखा करें, उसके बाद जो है ना आपको भले आप यहाँ से लें, गरीबाबाद से लें। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर। गर्मी बहुत हो रही है यार। हाँ, नहीं वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये ट्रेली टीवी ट्रॉली वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये बहुत खूबसूरत अलमारी है। सबके रेट मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत रश है यहाँ पे और दुकानदार बहुत मसरूफ़ हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बाकी आज सिर्फ मैं आपको एक रिव्यू करवा रहा हूँ छोटा सा, कि ये यूपी बाज़ार में भी आपको यूज़ फर्नीचर मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आयरन में भी बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। और ये 5-सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, और ये कंप्लीट इसका आपको एक ओवरव्यू करवा दूँ, ये पूरा बाज़ार है इसका। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।